नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। हिमाचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो नालागढ़ से आ रही है। नालागढ़ के चौकीवाला में नामी धागा उद्योग जीपीआई में मजदूरों की हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें कि उनकी हड़ताल का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी उनकी ओर से लगातार हड़ताल की जा रही है। सैकड़ों मजदूर अपनी मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर बैठकर हड़ताल कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी उनकी ओर से की जा रही है, तो रोष प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीते दो महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते रोष उनमें देखा जा रहा है। और बीते शनिवार को उद्योग की बिजली भी काटी गई थी। 5,70,00,000 का बकाया था बिजली बिल, जिसके बाद विभाग की ओर से बिजली काट दी गई, तो फैक्ट्री का पूरा काम काज भी ठप पड़ा हुआ है और 2,000 के करीब लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त नालागढ़ से, जहां पर मजदूरों की हड़ताल का आज चौथा दिन है और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ उनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जीपीआई में मजदूरों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। तो आपको बता दें कि पिछले दो महीने से मजदूरों को वेतन भी नहीं मिला है, उसके अलावा उनके बोनस और तमाम चीजें जो है वो भी नहीं दी जा रही, साथ ही उन्हें काम करने भी नहीं दिया जा रहा। तो कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। कंपनी के गेट पर बैठकर, फैक्ट्री के गेट पर बैठकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी हड़ताल का चौथा दिन है, फैक्ट्री का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जेबी सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर नालागढ़ से जुड़ गए हैं। जेबी सिंह, तो आज चौथा दिन है इन मजदूरों की हड़ताल का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, बताना चाहता हूँ, नालागढ़ के चौकीवाला में जीपीआई धागा उद्योग है, उसमें आज चौथा दिन मजदूरों की हड़ताल का हो चुका है और मजदूर अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर है कंपनी के गेट पर बैठकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें कंपनी प्रबंधन की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही है कि हड़ताल से उठ जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे, मतलब इस तरह की जान से मारने तक की भी धमकियां आ रही है। मजदूरों का कहना है कि वे जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाती और उनका जो हिसाब बनता है वो नहीं दिया जाता है। मजदूरों ने आज तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो कंपनी प्रबंधक की है, मत सोचे कि दो चार दिन बैठकर मजदूर यहाँ से हट जाएंगे। उनका कहना है मजदूरों का। जेबी सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, फैक्ट्री वर्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी मैम। जी पंकज, तो आपकी ओर से जो लगातार हड़ताल की जा रही है, चौथा दिन आज आपकी हड़ताल का है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं? मैडम, जो हमने अपनी मांगे कल एसडीएम साहब को दी है और उन्होंने एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, जिसमें नालागढ़ एसएचओ, नायब तहसीलदार जो कमेटी के चेयरमैन है और लेबर ऑफिसर, और एक हफ्ते का टाइम लिया है उन्होंने। लेकिन उसके दौरान फिर हमें क्या, ये हमें धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने जींद से कुछ बाउंसर, जो हमारा प्लांट हेड एलके सिंह है, वो हायर किए हैं। जी बिल्कुल पंकज, तो कंपनी के जो प्रबंधक हैं, जो उनके मालिक हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? नहीं मैम, पिछले 16 साल से मालिक ने आज तक विजिट नहीं किया कंपनी का। जी, और आपका वेतन? वेतन तो मैम अभी हमारा स्टाफ का 8 महीने का बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है जी, वर्कर का 2 महीने का, हमारा बोनस 4 साल का, ग्रेच्युटी भी हमारी है, 20-22 साल से यहाँ काम कर रहे हैं लोग। जी जी रोजी, तो फैक्ट्री का काम इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। बिजली का कनेक्शन कट गया था 17 तारीख को जी, 17 तारीख से कनेक्शन कट चुका है जी। जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेबी सिंह। जेबी सिंह, क्या लगता है अब आगे इनकी हड़ताल जो है, इनकी मांगे भी आपको बता दी गई, तो अब इनकी हड़ताल कितनी उग्र होने वाली है, क्योंकि कंपनी जो प्रबंधन है उनसे भी अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है? जी सर, जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि कल इनका जो एक यहाँ पे नालागढ़ में विशाल इनकी ओर से रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया था और नालागढ़ के एसडीएम प्रशांत देसा को भी एक लिखित इनकी ओर से ज्ञापन दिया गया था। मजदूरों की कंपनी जो हड़ताल कर्मचारी है, इनकी इनकी तरफ से एक उनको ज्ञापन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इनका हिसाब बनता है वो इनको दिया जाए। जो इनको धमकियां मिल रही हैं, बोनसर्स वगैरह बुलाए जा रहे हैं बार बार, कंपनी प्रबंधन की ओर से मजदूरों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी एक इन्होंने ज्ञापन दिया था। एसडीएम ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 3 मेंबरीय कमेटी बनाकर उनके 7 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले का रिपोर्ट देने को कहा गया। आपको बताना चाहता हूँ कि मजदूरों का अब आप जो आज की स्थिति पैदा हो, 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिली, 4-4 साल का बोनस पड़ा हुआ है,
मजदूरों का कहना है कि बिजली कटने के बाद से ना तो उनको उनकी जो कॉलोनी है वहाँ पर गीता आदर्श कॉलोनी जीपीआई की है, वहाँ पर ना तो उनको पानी मिल रहा है वहाँ पर, ना ही बिजली है और खाने पीने के भी वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। चलिए जेपी सिंह, तो कमेटी तो बना दी गई है लेकिन अभी जो कंपनी के प्रबंधक है उन्हें फरार बताया जा रहा था, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बताना चाहता हूँ, हमने भी एलके सिंह से बात करने की कोशिश की, बार बार उनको फोन करके हमसे बातचीत करने की कोशिश हमने भी हमारी तरफ से भी की जा रही है, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, जिससे यही लग रहा है कि कंपनी पूरी तरह से जो ये यहाँ पर बोले बिस्तरा समेट कर भागने की फिराक में थी। अगर मजदूर हड़ताल नहीं करते तो आज हमें लग रहा है कि जो कंपनी की जितनी भी मशीनरी है सारा बेच बूझ के यहाँ से निकल पड़ते हैं। अभी मजदूरों का कसम है काफी सराहनीय बताए लग रहा है कि अगर मजदूर हड़ताल नहीं करते तो कंपनी ने अभी तक का जो यहाँ पे मशीनरी है वो मजदूरों की सैलरी है, टैक्स का भी बताया जा रहा है पेंडिंग, बिजली पेंडिंग बिल है जो 9 करोड़ के आसपास है वो लेकर यहाँ से अभी तक फरार हो चुकी थी। अभी जो मजदूरों ने कही अपनी मांग उनको लेकर लग रहा है कि अभी जो कंपनी प्रबंधन अभी जो जो इसकी विभागीय जांच में अभी उनका बताया है SDM प्रशांत बेस्टा ने भी कि वो भी उनसे टच करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ एक्शन है वो प्रशासन की ओर से भी यहाँ पे की जाएगी। अब देखना यही होगा कि कब प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में आकर कंपनी प्रबंधन के सामने आता है। जी बिल्कुल, जेपी सिंह हमारे साथ बरकर जुड़े हुए हैं। पंकज आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर अभी भी सरकार की ओर से आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और कंपनी जो प्रबंधक है उनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाती? जी नहीं मैम, बात तो वो करते नहीं, उल्टे धमकियां दे रहे हैं। हमें एक हफ्ते का टाइम जो हमारे SDM साहब ने दिया है, हम एक हफ्ता वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी सड़कों पे कटोरे लेके बैठेंगे जी, क्योंकि यहाँ तो वर्कर जिसकी 8,000-10,000 सैलरी है वो क्या खाएगा जी, उनको 2-2 महीने का कभी बोनस नहीं दिया, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है, उनकी फैमिली साथ है, ये 1100 वर्कर की बात नहीं है, 10-20 हजार उनकी रोजी रोटी पे संकट आ गया है। जी बिल्कुल पंकज जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता जेबी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी उनकी ओर से की जा रही है, साथ ही कटोरे लेकर वो सड़कों पर बैठ जाएंगे, इस तरह की बात उनकी ओर से कही जा रही है। आपको बता दें कि करीब सैकड़ों मजदूर यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों मजदूर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही आगे की जो रणनीति है वो भी ज्यादा उग्र होने वाली है उनकी ओर से।